है दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जोमेटो और स्विगी की तरह अपने खुद की एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100% सपोर्ट करेगी। यानी कि दोस्तों, ये कंपनी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, किस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर, एक बड़े लेवल पर लेके जाना, तो ऐसे में ये कंपनी आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आप अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और उसी के साथ में इस बिजनेस आइडिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बिजनेस आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ई समुदाय कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कंपनी हमारे इंडिया के अंदर लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करते हुए, उसको प्रमोट करते हुए हमारे इंडिया के स्मॉल बिजनेस और उसी के साथ में एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती है। आप ई समुदाय कंपनी के साथ जुड़कर अपनी खुद की एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो और स्विगी की तरह स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से लेकर कुछ ही सालों पहले हमारे इंडिया के अंदर जोमेटो और स्विगी आया है, फिर भी आज के टाइम पर इसका यूज हर कोई कर रहा है और ये कंपनी आज के टाइम पर लाखों रुपए का प्रॉफिट भी कमा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो फूड इंडस्ट्री के अंदर आना और आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप भी ई समुदाय के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह आप इनके साथ जुड़ सकते हो, किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो और कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि हमारे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक सिटी के अंदर वहां पर कोई ना कोई डिश फेमस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुजरात में रहता हूँ तो हमारे गुजरात के अंदर काफी सारी ऐसी डिशेस है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और हम सब लोगों को उसे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके एरिया में, आपके सिटी में या फिर आपके स्टेट में कौन सी खाने की डिश सबसे ज्यादा चलती है और सबसे ज्यादा लोग उसे खाना पसंद करते हैं, उसके बारे में नीचे कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ताकि मुझे भी आपके बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। तो अगर मैं बात करूं इस बिजनेस के बारे में, तो अभी आपको क्या करना होगा कि आपके एरिया के अंदर जो भी वो फेमस डिश है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेनी होगी। यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी फेमस डिश है वो कहां पर बनाई जाती है, कहां पर अच्छी क्वालिटी की मिलती है और कहां की डिश खाना लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेनी होगी। और ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको वहाँ पर विजिट करना होगा और उनके जो भी ओनर होंगे, जो भी वो डिश बनाते होंगे, उनके साथ बातचीत करनी होगी कि हम हमारी एप्लीकेशन की मदद से आपकी जो भी फूड डिशेस है उसको पूरे एरिया के अंदर प्रमोट करेंगे, ताकि आपके पास हमारे ऐप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ पाए और आप भी अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करवा पाओ। और उसी के साथ में दोस्तों, आपका भी बिजनेस साथ साथ में ग्रो होता रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने एरिया के सभी वेंडर्स के पास जाना होगा जो भी उस तरह के जो भी फेमस डिश बनाते हैं। बाद में आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि हमारे एरिया के अंदर या फिर हमारे सिटी के अंदर ये सारी डिशेस मिलती है और उसके ऑर्डर में अपनी ऐप की मदद से ले सकता हूं। बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको जाना होगा डायरेक्ट ई समुदाय के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि मैं आपके साथ जुड़कर बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें किस तरह से करनी है वो आगे मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, बस यहाँ पर मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फिर आप ई समुदाय के साथ जुड़कर अपना खुद का एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करोगे, जैसे कि जोमेटो और स्विगी है, वैसे ठीक उसी तरह आपका भी खुद का एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप होगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आपने जो भी डिशेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, जो भी डिश आप अपनी ऐप के मदद से सेल करना चाहते हो, वो सारी डिशेस को यहाँ पर आपको लिस्टिंग करनी होगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन अपने एरिया में और अपनी सिटी के अंदर करना होगा, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर उस डिश से रिलेटेड आने लगे। और दोस्तों, यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस ऐप को प्रमोट करने के अंदर भी ई समुदाय आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वीडियो के आगे ही मैंने आपको बता दिया था कि ई समुदाय लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करता है, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन
आगे आए, और इसीलिए वो लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करते हुए आपको भी जरूर सपोर्ट करेगा। तो कुछ इस तरह से पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट काम करेगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह आप ई समुदाय कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर अपना ऐप लॉन्च कर सकते हो। ये सारी चीजें किस तरह से काम करेगी उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ई समुदाय की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और वहां पर जाने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, और वहां पर क्या करना है वो मैं आपको लाइव करके मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ताकि आपको भी पता चल पाए कि किस तरह आप इनके साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे ई समुदाय की वेबसाइट पर। अगर आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके भी यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर किस तरह से सारी चीजें करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और उसी के साथ में इस प्लेटफॉर्म के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स बता देता हूँ कि किस तरह आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ई समुदाय के साथ जुड़कर अपने जो भी बाकी के लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ तो कोई ग्रोसरी शॉप हो गया, कोई सलून का शॉप हो गया, या फिर वेजिटेबल शॉप हो गया, इस तरह के जो बाकी लोकल बिजनेस है उससे भी आप ई समुदाय के साथ जुड़कर एल कॉमर्स की मदद से अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो का टॉपिक मैंने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ऊपर लिया, इसलिए मैं आपको उसके आसपास की चीजें बता रहा हूं, पर अगर आप ये सेम चीज बाकी के बिजनेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आप ई समुदाय के साथ जुड़कर और भी बिजनेसेस यहां से कर सकते हो। तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको ऊपर एल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ई कॉमर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर ये एल कॉमर्स क्या है? एल कॉमर्स यानी कि लोकल कॉमर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन काफी सारी चीजें डिजिटली हो रही है और डिजिटली सेल हो रही है, बट आज के टाइम पर कोई भी लोकल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। तो ई समुदाय ने स्पेशली लोकल बिजनेस के ऊपर फोकस करा है, यानी कि लोकल फॉर वोकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रिंग योर टाउन टुगेदर डिजिटली, यानी कि आप अपने एरिया को, अपने गांव को, अपने सिटी को किस तरह से डिजिटली बना सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले एक बिजनेस मेंटोर होगा जो कि ई समुदाय की टीम से होगा, और फिर यहाँ पर नीचे आप पूरा ग्राफ देख रहे हो कि यहाँ पर एक लोकल मर्चेंट है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके एरिया में कौन सी डिश सबसे अच्छी मिलती है, तो वो हो गया, और उसके बीच में आ गया डिजिटल मार्केट प्लेस कंज्यूमर ऐप, यानी कि ऐप आ गई, ये आपका एप्लीकेशन है और आगे ये कस्टमर है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि आप यहाँ से जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है वहाँ से वो प्रोडक्ट लेंगे, और फिर आपके थ्रू ही आपके कंज्यूमर के पास, आपके कस्टमर के पास वो डिश या फिर प्रोडक्ट जाएगा। तो ऐसे में आपको देखना जरूरी है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट तो होगा, बट उसी के साथ में नाम भी आपका ही होगा, क्योंकि इस कस्टमर के साथ डायरेक्ट आप कांटेक्ट करोगे, ना तो कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेगा या फिर ना ही बिजनेस मेंटर, वो डायरेक्ट आपसे, आपके साथ कनेक्ट रहेगा। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट भी होगा और उसी के साथ में आपका नाम भी होगा। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट के बारे में बताएं तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाया गया है कि ई कॉमर्स कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल एंड हाउ, कि किस तरह से वो प्रॉफिटेबल बनेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक महीने के अंदर हमारा बिजनेस धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा, और तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारा जो भी बिजनेस है वो ब्रेक इवन को क्रॉस करता हुआ प्रॉफिटेबल साबित हो जाएगा। तो जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो, ऑलरेडी काफी सारे लोग इस ग्राफ को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो करवा चुके हैं, तो आप भी इनके साथ जुड़कर ग्रो करवा सकते हो। यहाँ पर उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताई गई है। अगर एक बार आप इनके प्लेटफॉर्म पर आओगे तो ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स इज अ कोलेब्रेशन, कि ये ऐसा नहीं है कि आप उनका बिजनेस प्रमोट कर रहे हो या फिर वो आपका बिजनेस प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर एक कोलेब्रेशन हो रहा है कि दो लोगों के बीच में एक कोलेब्रेशन हो रहा है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पर हम बात करें कि आपके जो भी टाउन, आपका सिटी, जो भी आपका गाँव है वहाँ पर टेक्नोलॉजी आएगी, तो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको हेल्प करी जाएगी रेडी टू यूज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्टेक्स, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटी है, यानी कि आप ये व्हाइट में और ये ब्लू में है वो है ई समुदाय। तो किस किस तरह से आपको यहाँ से बेनिफिट होगा, तो टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको बेनिफिट होगा, नॉलेज
अगर आपके पास लोकल का नॉलेज है तो उसे ग्लोबल नॉलेज किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में आपको हेल्प करी जाएगी। नेटवर्क की बात करें तो अगर आप लोकल नेटवर्क पर फोकस कर रहे हो तो ये आपको और भी नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स हो गए, मेंटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ये सारे लोग वो आपको हेल्प करेंगे आपका नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। और अगर हम बात करें कैपिटल की, फंड की, अगर आपको अपना जो भी एल कॉमर्स बिजनेस है उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना है तो ऐसे में कैपिटल यानी कि फाइनेंशियली भी ये समुदाय आपको हेल्प करेगा। रेडी टू यूज इन्वेस्टर पैक एंड यानी कि काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका बिजनेस बड़ा करने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने अच्छी तरह से देख ली, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इनके साथ जुड़ सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको स्टार्ट एंड एल कॉमर्स बिजनेस इन योर टाउन पर क्लिक करना होगा और फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना होगा कि मेरा ये नाम है, और अगर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया का लिंक है तो उसे आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। और नीचे आपको बताना है कि आप क्या करते हो, यानी कि आप एक एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, या फिर इन तीन में से कोई नहीं हो, या फिर एक बिजनेस ओनर हो, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है हाउ डिड यू लर्न ऑफ ई समुदाय, यानी कि आप ई समुदाय के बारे में कहाँ से जाना। तो आप हमारा YouTube वीडियो देखकर आए तो YouTube सिलेक्ट करना है। फिर बाद में यहाँ पर आपको लिखना है वेर यू डू वॉन्ट टू स्टार्ट एल कॉमर्स, एल कॉमर्स कहाँ पर स्टार्ट करना है, तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गुजरात में करना चाहता हूँ तो गुजरात, और यहाँ पर मैं अपने सिटी का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि राजकोट हो गया, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद में हाउ सून वुड यू टेक टू स्टार्ट ई कॉमर्स, कितने जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो, तो कोई नेक्स्ट वीक से करना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ से, या दो तीन महीने से, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ ईयर्स यू लिव्ड इन योर लोकेलिटी, यानी कि आप जहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा साल से वहाँ पर रह रहे हो तभी आपको उस एरिया के बारे में एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है। और यहाँ पर खास करके आपको अपना ईमेल आईडी डालना है ताकि वो आपको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सके, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तभी वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट देना है। सबमिट देने के बाद ये पूरा जो फॉर्म होगा वो ई समुदाय कंपनी की टीम के पास चला जाएगा, वो आपका पूरा फॉर्म रिव्यू करेंगे और आपको सामने से ही कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जो भी फॉर्म फिल करा है उसमें किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ज़्यादा ये कंपनी आपको सपोर्ट करेगी आपका एल कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आज ही आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए और ये फॉर्म फिल करने के बाद आप भी अपना खुद का एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी ई समुदाय कंपनी के साथ जुड़ सकते हो और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप 2021 के अंदर अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आज ही आपको ई समुदाय की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए और वहां पर फॉर्म फिल करके उनके साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ई समुदाय की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा ताकि बाकी लोग भी आपकी तरह अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे तो उनको भी ई समुदाय कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। और उसी के साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।